कैसे सपोर्ट करें, हमारी कॉम को पता नहीं है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ना उन्हें फॉरेन पॉलिसी का पता, ना उन्होंने कभी पाक स्टडीज पढ़ी। मुंह उठा के उनके बाप दादा वोट करते थे नवाज शरीफ को, तो वो भी करना चाहते हैं, हमें पता है। अब हम न्यू जनरेशन है, हमें पता है हमारे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं। पूरे अपने बच्चे भी लेकर आए, घरों को ताले लगा कर आए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम मैम। किस सिटी से आए खान साहब? लाहौर से ही है हम लोग। तो क्या जज्बात है खान साहब के लिए? हम उन्हें इसलिए सपोर्ट करें, हमारी कौम को पता नहीं है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ना उन्हें फॉरेन पॉलिसी का पता, ना उन्होंने कभी पाक स्टडीज पढ़ी। मुंह उठा के उनके बाप दादा वोट करते थे नवाज शरीफ को, तो वो भी करना चाहते हैं, हमें पता है। अब हम न्यू जनरेशन है, हमें पता है हमारे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं। इसलिए हम इमरान खान को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो हमारा बेहतर चाहता है। मैम आपका ख्याल सबके बारे में? इमरान खान मतलब कौन, चोरों को कौन सपोर्ट करेगा? इतना लूटा उन्होंने लाहौर को, इतना पूरे पाकिस्तान को लूटा। इमरान खान के लिए आए हैं, इमरान पूरे पाकिस्तान को जाने आए। शहबाज शरीफ वगैरह लाहौर की सड़कें बनाते हैं, आप अंदरून लाहौर जाए या किसी और सिटी पंजाब में चली जाए, वहाँ सड़कें है ही नहीं। क्या एक जगह को सही करने से आप पूरे पाकिस्तान के लीडर बन जाते हैं? ऐसा नहीं होता, पहले पूरे मुल्क को। शहबाज शरीफ तो सुबह 7 बजे उठ के अपने ऑफिस जा रहा है, वो कहता मैं तो बड़ी मेहनत कर रहा हूँ। 2 महीने की एंजॉय करने दे। क्या कर रहे हो? सुबह ऑफिस में जाके सो जाते 7 बजे, किसको क्या पता ऑफिस में वो क्या कर रहा है। एंजॉय करने दे भाई, आ गया तो पूछेंगे कौन है लीडर इनका। अभी अगर इमरान ना हेल ना होता ना नवाज शरीफ, कभी ये लोग शहबाज शरीफ को बनने ना देते। ये लोग तो कुछ समझते नहीं है। आप बात करते हैं, हमारा लीडर सबको इक्वल रखता है, कम से कम उसे इक्वेलिटी का पता ही नहीं, कुछ नहीं पता। हम ऐसे लोगों को क्यों सपोर्ट करें जो हमारे मुल्क का ही नहीं चाहते? वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाते ताकि उनकी वो चल सके फैक्ट्रीज, हमारे लिए वो कुछ नहीं करते और हम ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करते। खान साहब जो है वो कहते हैं कि जितने भी पीटीआई के जलसे हैं ना, खवातीन ज्यादा होती है मर्दों की नस्बत, जज्बात भी ज्यादा होते हैं, इसकी क्या वजह है? पता है इमरान खान हमारे लिए सही है, वो वुमेन राइट के लिए काम करता है, उसने वुमेन राइट के लिए इतनी चीजें की हैं, आप जरा जाके पढ़े, उसने डैम्स बनाए, उसने बहुत सारा किया है, उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। एक दिन में कुछ नहीं हो जाता, टाइम लगता है सब कुछ होने से। नई हाउसिंग स्कीम शुरू की है, इतने लोगों को नौकरियां मिली, डैम बना रहा है, बीमार एक दिन में नहीं बनता। नवाज शरीफ ने ये मोटरवे शुरू किया था, उसके 3 दौरे हुकूमत गुजरे थे, उसके बाद मोटरवे बना था। सेहत कार्ड के वाले से कह रहे हैं, सेहत कार्ड बहुत अच्छा है, जो लोग कहते हैं ना ये नहीं मिल रहा हमारे ड्राइवर को, मिला हुआ है सबको, वो दे रहे हैं और उसमें इलाज भी हो रहा है। 8 लाख के अंदर अंदर आप किसी हॉस्पिटल से लाहौर में पता कर ले, वो सेहत कार्ड पे इलाज कर रहे हैं। तो मैम जो लाहौर का ये जलसा हो रहा है, क्या ये कराची और पेशावर के जलसों को बीट अप करेगा? इंशाल्लाह जरूर करेगा। बाहर जाके लिखे कितना रश है, अभी लोगों को वो अंदर नहीं आने दे रहे, अंदर आ गए तो यहाँ जगह नहीं बची। मतलब इमरान खान किसको नहीं पसंद है? लोगों को समझ नहीं आती जो नवाज शरीफ को सपोर्ट करे, शहबाज शरीफ को सपोर्ट करती है, जो लोग बीमार है फ्री में इमरान खान ने इलाज कराया, शहबाज शरीफ क्या उसने हेल्थ कार्ड ही कार्ड। मैम क्या कहना चाहेंगे? वी आर विद इमरान खान, और मेरे पैरों में जख्म था, मैं उसके बावजूद आई हूँ, खान के लिए आई हूँ, और हम कभी जलसों में नहीं आए, कभी जलसों वाले लोग नहीं हैं, लेकिन स्पेशल आए इनके लिए आए, और अपने पाकिस्तान के लिए आए, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए आए, और इंशाल्लाह हम अपने हमें खुददारी, इमरान खान ने हमारे दिमागों को जगाया कि हम खुददार कौम है। इमरान खान ने कहा कि हम गुलाम कौम नहीं बनेंगे, गुलाम कौम नहीं बनेंगे, इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर। मैम क्या जज्बात है खान साहब की मोहब्बत में? खान साहब की मोहब्बत में आए हैं जी, चला जा नहीं रहा था उसके बावजूद आए, घर से कुर्सी लेके आए कि बैठ के खान को सुनना है, खान को सपोर्ट करनी है, खान के लिए आए, और पूरे अपने बच्चे भी लेकर आए, घरों को ताले लगा कर आए, अपने गाड़ी ड्राइवर पे आए। वी लव यू खान, वी आर विद यू ऑलवेज।